Today we'll discuss the concept of non-conservative electric field. That means the electric field which is generated due to changing magnetic flux. We have already discussed that if there is a change in magnetic flux according to Faraday's law of electromagnetic induction, due to this changing magnetic flux there is a induced EMF in the coil. For creating the induced EMF, हम लोगों ने इस रॉड सीडी को मूव कराया इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इस रॉड के मोशन ने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया एंड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव डी बाई डी। अब यहां जो हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करेंगे वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, किसी तरह का कोई मोशन यहां नहीं है। यहां पर इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है, हमने एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया ड्यू टू सम इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड इस सर्टेन डिस्टेंस तक कॉन्फाइंड है, द डायरेक्शन ऑफ बी फील्ड इज इनवर्ड। एज लॉन्ग एज दिस बी फील्ड इज कॉन्स्टेंट, जब तक ये बी फील्ड यहां कॉन्स्टेंट है, यहां तक किसी तरह का कोई एप्रिशिएबल इंपैक्ट, कोई एप्रिशिएबल चीज आपको नजर नहीं आ रही, ये बी फील्ड यहां कॉन्स्टेंट है, द वैल्यू ऑफ बी फील्ड इज बी, इट इज कॉन्फाइंड इन अ रीजन ऑफ रेडियस आर। अब अगर ये बी फील्ड चेंज करने लगे, किसी तरीके से हमने चेंज किया, जिस मैग्नेट से हम यहां बी फील्ड क्रिएट करते हैं उसमें जो करंट है उस करंट को अगर मैंने चेंज करना शुरू किया तो यहां बी फील्ड चेंज करेगा, और जैसे ही यहां बी फील्ड चेंज करता है इस क्लोज लूप के अंदर का जो फ्लक्स है वो फ्लक्स चेंज करेगा। आप यहां देख रहे हैं कि अगर बी फील्ड हमारा इंक्रीज कर रहा है, हमारा डीबी बाई डी टी इंक्रीज करता है, तभी ही डीबी बाई डी टी इंक्रीज करता है, चेंज का मतलब ये हुआ। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहां इनवर्ड फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। लेंज लॉ क्या कहेगा, इनवर्ड फ्लक्स अगर इंक्रीज करता है तो इनवर्ड फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट यहां अगर यहां पर आपने एक कंडक्टिंग लूप रख दिया है तो इफ देयर इज अ कॉपर रिंग, अगर यहां पे कॉपर रिंग है तो इसमें एक एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगी ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स इनवर्ड है और ये इंक्रीज कर रहा है। अब इसको हम लोग ऐसे देखेंगे कि अगर यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है या कोई चार्ज है तो इस चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कोर्स मूव नहीं करा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा। अगर ये चार्ज पार्टिकल यहां मूव कर रहा है दैट मींस कि जरूर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर फोर्स लगाता है और ये एक सर्कुलर पाथ मूव करता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां प्रोड्यूस हुआ ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और यहां पर ये सिमेट्रिकली टेंजेंशियल है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है तो ये चार्ज पार्टिकल आपको मूव नहीं कर सकता है, और मैं देख रहा हूं कि जैसे ही हमने बी फील्ड को यहां चेंज किया यहां पे करंट फ्लो करनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब कि यहां पर
चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट है, और ये चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड से ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड से नहीं। तो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हुआ वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब आप यहां कर सकते हैं कि चूंकि एक कंडक्टिंग लूप में ये चार्ज पार्टिकल मूव कर जाता है, यहां ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है तो हम लोग डिफाइन करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ को यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक क्लोज लूप पे घुमा देने में वर्क। तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ ने क्यू चार्ज को एक बार कंप्लीट लूप में घुमाने में जो वर्क किया वो है ई क्यू नॉट। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ ने क्यू चार्ज को एक कंप्लीट लूप में घुमाने में जो ये वर्क किया वो डब्ल्यू है। यहां पे अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल है आउट ऑफ सिमेट्री, तो ये जो ऑफ कोर्स टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसने फोर्स लगाया Q, यहां फोर्स लगा रहे Q, और ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ये सर्कुलर है, तो हर पॉइंट पे यहां जो इसने फोर्स लगाया वो फोर्स है Q into E, एंड जो वर्क होगा ये पूरे के पूरे सर्किल में मूव करने के लिए वो हो जाएगा F dot dl, and वो F dot dl in a closed loop, आपका पूरा एफ डॉट डी एल, एफ डॉट डी एल। तो ये जो वर्क हो जाएगा आपको ये आएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू ई एंड टू पाई आर। अगर इन दोनों वर्क को हम लोग इक्वेट करते हैं, ईएमएफ का डिफ्रेक्शन है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक लूप में मूव कराना, तो क्यू चार्ज को मूव कराने में वर्क डन होगा ई इंटू क्यू, और यहां जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो जो वर्क करेगा किसी यूनिट किसी क्यू चार्ज को एक लूप में मूव कराने में वो वर्क हो जाएगा क्यू ई डी एल, दैट इज क्यू ई इंटू टू पाई आर। दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये क्यू ई का वैल्यू हो जाएगा टू पाई, एम क्यू से क्यू कैंसिल कर देंगे तो ई का वैल्यू हो जाएगा, और इन अ मोर जनरल वे इसको हम लिख सकते हैं ई डॉट डीएल क्लोज पाथ, यहां पे ई डॉट डीएल ई इंटू डीएल ई एल ई ट्वेल्व ई ट्वेल्व, ये आपका टोटल वर्क हो जाता है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ये जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। तो हम लोग ये आपका जो इक्वेशन नंबर थ्री है और इक्वेशन नंबर फोर है इससे लिख सकते हैं कि ई डॉट डी एल का वैल्यू हो जाएगा माइनस डी फाइव बी बाई डी। अब देखिए इसको एक बार और हम लोग डिस्कस करते हैं। मैंने कहा कि इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है, जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है यहां कुछ नहीं हो रहा। मैंने यहां पर एक कंडक्टिंग लूप रख दिया सेफ कॉपर रिंग, और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा यहां देखते हैं कि करंट फ्लो करने लगती है, तो अगर यहां करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब चार्ज पे फोर्स लग रहा है, हर पॉइंट पे एक टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है जो इसको सर्कुलर पाथ में मूव करा रहा है। इसका मतलब यह है कि यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को मूव करा रहा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ऐसे है यहां ऐसे यहां ऐसे यहां ऐसे, हर जगह टेंजेंशियल है, क्योंकि चार्ज जब भी मूव करेगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स ही लगता है, मैग्नेटिक फील्ड इसको मूव नहीं करा सकता। तो हमें यहां देखा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से
यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये चार्ज इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ के डेफिनेशन के मुताबिक यह है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक लूप पे ये मूव करा दे। तो क्यू चार्ज को एक लूप में मूव कराने में इसका वर्क हो जाएगा ई इनटू क्यू। इसकी वजह से जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क होगा क्यू मल्टीप्लाइड बाई डीएल, एंड टोटल लूप में मूव कराना है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो वर्क इज क्यू इंटू टू पाई आर। दोनों वर्क को हमने इक्वेट किया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू हो जाएगा ई इंटू टू पाई आर। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ई का वैल्यू हो जाएगा डी फाई बाई डी टी। दोनों को इक्वेट करने के बाद हमको मिल जाएगा ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी। यहां अगर कोई कंडक्टिंग लूप नहीं है तब भी ऑफ कोर्स चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इट हैज नथिंग टू डू विथ ऑफ कोर्स दिस कंडक्टिंग लूप। ये कंडक्टिंग लूप है नहीं है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑफ कोर्स ये लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है, और अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर किसी चार्ज को आप मूव कराएंगे तो यहां फोर्स लग जाएगा क्यू इंटू ई, टेंजेंशियल है तो क्यू इंटू ई इंटू टू पाई आर। पूरे लूप में मूव कराने में मैंने कहा कि इसको वर्क हो जाएगा क्यू ई इंटू टू पाई आर। और यहां जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसको हम लोग कहेंगे ई इंटू क्यू, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब होता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक लूप में मूव कराना। तो क्यू को एक लूप में मूव कराने में वर्क ये होगा, दोनों को कैंसिल कर देंगे और ये बराबर हो जाएगा E dot dl is equal to of course E, और E को हम लोग फैराडेज लॉ से लिखते हैं d phi by dt। तो हम लोग अब आसानी से लिख डालेंगे E dot dl is equal to minus d phi by dt। So due to changing magnetic flux there is a induced EMF in the coil, and this induced EMF in the loop is E dot dl is equal to minus d phi by dt. अब ये important इसलिए हो जाता है कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह रियल है। जैसे चार्ज को कहीं रख दीजिएगा एंड वहां जो लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस ऑफ फोर्स उसी तरीके से हैं। यहां कॉन्सेंट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और यहां मैंने देखा कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ये क्लोज है, और क्लोज होने की वजह से ई डॉट डी एल का वैल्यू यहां माइनस डी फाइव बाई डी टी। दिस इज ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर किसी चार्ज की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में E डॉट dl का वैल्यू जीरो होता है। यह फील्ड आपका कॉन्जर्वेटिव है, कॉन्जर्वेटिव का मतलब यह हुआ कि अगर आप यहां से स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो क्लोज लूप में वर्क डन का वैल्यू कॉन्जर्वेटिव फील्ड में जीरो हो जाता है। दैट फील्ड विच इज क्रिएटेड ड्यू टू चार्ज इज कॉन्जर्वेटिव फील्ड, एंड दैट इज व्हाई द वर्क डन इन अ क्लोज लूप इज जीरो, वेयर एज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज जनरेटेड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन कॉन्जर्वेटिव। और यहाँ ई डॉट डी एल का वैल्यू माइनस डी फाइव बाई डी टी हो गया।
यहां पर वर्क पाथ पे डिपेंड करता है, E dot dl depends on path. और चूंकि यहाँ initial and final path दोनों एक ही point हो जाते हैं, ये state function है, जहाँ से start हुआ वहीं पहुँच गया, तो यहाँ E dot dl का value zero है. लेकिन ये non-conservative है, यहाँ पर work done path पर depend नहीं करता. और जब path पर depend करता है, तो हम लोग कर सकते हैं कि E dot dl from A to B is equal to VB माइनस VA. ये कॉन्जर्वेटिव फिल्म में डिफाइन करते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस. नॉन कॉन्जर्वेटिव फिल्म में पोटेंशियल डिफरेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में विच इज जनरेटेड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्या आपका कॉन्जर्वेटिव फील्ड का कोई कॉन्सेप्ट है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कोई कॉन्सेप्ट है, तो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट नॉन कॉन्जर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है. यानी उस इलेक्ट्रिक फील्ड में विच इज जनरेटेड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस. Whereas in that electric field which is generated due to charge, potential का concept है, तो potential is well defined only in the conservative field. तो इसमें जो questions हम लोगों से पूछे जाते हैं, कोई बहुत ज्यादा इसमें difficult questions नहीं पूछा जाएगा. जो जो questions पूछे जाएंगे वो देखिए क्या है. पहली बात जो question आपसे पूछा जाएगा वो ये कि अगर कहीं पे चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप कहेंगे देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ और हेंस देयर इज अ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज ऑफ कोर्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल. डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं एंड ऑफ कोर्स वो ठीक उसी तरह से रियल है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से होता है. लेकिन दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस ये हो गया कि चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो ओपन है, क्लोज नहीं हो सकते हैं. लेकिन ये जो आपका नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके जो लाइंस ऑफ फोर्स है ये क्लोज हो सकते हैं या क्लोज ही है, जबकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन्स है वो कभी क्लोज नहीं हो सकता है. वहां ई डॉट डीएल क्लोज पाथ के लिए जीरो है, यहां ई डॉट डीएल क्लोज पाथ के लिए माइनस डी फाइव बाई डी टी है. तो वहां पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है, यहां पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट नहीं है. ये दैट इज एक मामला हुआ. कॉन्जर्वेटिव फील्ड के लिए आपको कह दिया गया अगर कॉन्जर्वेटिव फील्ड है तो आप कह सकते हैं कि ई डॉट डी एल फॉर अ क्लोज पाथ ही से. नॉन कॉन्जर्वेटिव फील्ड में ई डॉट डी एल क्लोज पाथ के लिए हम लोग लिख डालेंगे माइनस डी फाइव बाई डी टी. अब हम लोग देखते हैं कि सपोज ये आपका रीजन है, आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है. मान लीजिए इस मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज है डीबी बाय डीटी का वैल्यू है 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. अब आपसे कोई पूछेगा कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालिए. ये इलेक्ट्रिक फील्ड 5 सेंटीमीटर की दूरी है, दिस आर इज 5 सेंटीमीटर. आपसे यहां भी पूछा जा सकता है और आपसे यहां भी पूछा जा सकता है. ये तीन पॉइंट है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकेंड पॉइंट, दिस इज द थर्ड. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस थ्री पॉइंट्स 1, 2 एंड 3. दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5, दिस इज अ डिस्टेंस ऑफ 10 एंड दिस इज अ डिस्टेंस ऑफ से 15 एंड 20, एनीथिंग ग्रेटर देन 10. अब आप यहां से जब ई डॉट डी एल का वैल्यू माइनस डी फाइव बाई डी टी लेंगे, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी. माइनस साइन का मतलब सिंपली द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ से. जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ये इनवर्ट फ्लक्स है और ये इंक्रीज करता है तो इनवर्ट फ्लक्स को लेंज लॉ चाहेगा डिक्रीज करें, और डिक्रीज करने का मतलब वो चाहेगा आउटवर्ड फ्लक्स क्रिएट करें, तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगी. तो यहाँ नेगेटिव साइन का मतलब ये है
कि इनवर्ड फ्लक्स जब इंक्रीज करेगा तो लेंस लॉ इनवर्ड को घटाएगा यानी आउटवर्ड को बढ़ाएगा, सो द करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां देखो ये माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू पाई आर स्क्वायर, यहां अगर हम लेते हैं तो इसके अंदर जो फ्लक्स चेंज करा उसको देखेंगे। इफ वी वॉन्ट दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट शुड बी कैलकुलेटेड, तो हम इसके अंदर का फ्लक्स ले रहे हैं, बाहर से कोई मतलब नहीं है। ये फाइव है तो यहां से लिखेंगे ई इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू माइनस डीबी बाई डी टी एंड दिस इज फाइव आर स्क्वायर। यहां पाई से फाइव कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा उसको हम ले सकते हैं से हाफ dv by dt and this is your r। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज हाफ dv by dt is 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर यूनिट और रेडियस का वैल्यू है 5 × 10⁻²⁻² मीटर। सो इसका वैल्यू हो जाएगा, नेगेटिव साइन को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा हाफ दिस इज 5 × 10⁻³ दैट इज 2.5 × 10⁻³ और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जाहिर सी बात है न्यूटन पर कूलम, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहां मिल जाएगा। अब अगर आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेना चाहते हैं तो देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मोर एंड मोर फ्लक्स आपका इंक्लोज होगा और फ्लक्स जो इंक्लोज होता है वो पाई आर स्क्वायर से होता है और यहाँ ई डॉट डीएल में 2πr है। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे r का वेरिएशन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, तो जैसे जैसे हम लोग ये सेंटर से आगे बढ़ेंगे e का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है बढ़ेगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आएगा जो पूरे के पूरे ऑफकोर्स फ्लक्स को इंक्लोज कर देता है और तब E का वैल्यू यहां हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस हाफ डी बाई बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई ये R और R के बराबर हो जाएगा। क्यों? उसका रीजन है कि यहां आप लेंगे तो ये भी हो जाएगा E इंटू टू पाई आर, E इंटू टू पाई आर और यहां भी हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी टी एंड दिस इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, इस आर से आर कैंसिल और ई का वैल्यू हो जाएगा माइनस हाफ डी वी बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई आर, हाफ डी बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई आर। सो इस ई का जो वैल्यू हो जाएगा आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ई को हाफ डी वी बाई डी टी इज 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, आर इज 10 cm, सो इट इज 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब अगर हम लोग यहां निकालना चाहते हैं जैसे दिस इज यहां और इसको मान लीजिए मैंने 20 cm ले लिया, क्या ले लिया 20 cm, तो अब अगर हम लोग इस लूप पे ई डॉट डीएल कैलकुलेट करते हैं सो नाउ ई डॉट डीएल इज माइनस डी फाइव डी बाई डी टी और यहां जो ई डॉट डीएल का वैल्यू होगा दिस ई डॉट डीएल इज ई इंटू टू पाई आर एंड दिस इज डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू ए और इसको हम लोग लिखेंगे E इंटू टू पाई आर ए डी वी बाई डी टी। अब देखिए यहां परेशानी क्या है कि फ्लक्स आपका यहीं तक था, हम यहां लेते तो हैं यहां पर E डॉट डी, लेकिन फ्लक्स आपका यहीं था तो ये जो डी वी बाई डी टी के लिए एरिया लेंगे ये एरिया आपका सिंपली पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस इज डी वी बाई डी टी। तो यहां से आप कैंसिल करेंगे इसको
और e का वैल्यू हो जाएगा हाफ, दिस इज डी बी बाई डी टी एंड दिस इज आर स्क्वायर इंटू आर, यानी फ्लक्स अब इसके आगे नहीं बढ़ेगा, ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये आपको निकालेंगे अगर 20 पे तो हाफ इंटू 0.1 एंड दिस इज योर 10 × 10 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर एंड दिस इज 20 सेंटीमीटर, तो आपको कैंसिल होकर के ये हाफ आ जाएगा और ये कैंसिल होकर 10⁻², तो अल्टीमेटली इट इज हाफ एंड दैट इज 0.1 एंड दैट इज 10 एंड दैट इज 10⁻², डिवाइडेड बाय 2, हाफ है ये 0.1 है, ये 10 का 20 है, 10⁻², से कैंसिल हो गया, ये एक 10 तो यहां दो ला दिया यहां पे, तो ये आपको जगह आएगा 1/4 × 10⁻², ये 10 से कैंसिल कर देगा। 1.4 का मतलब होगा 0.25 × 10⁻², यानी 2.5 × 10⁻³। यहां भी 2.5 × 10⁻³ था। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि हम जैसे जैसे यहां आते हैं फ्लक्स हमारा बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते जब हम लोग इस बाउंड्री पर आते हैं, जब ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स को इनक्लोज कर लेता है, तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज मैक्सिमम होगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम, उसके आगे 10 के आगे जब जाएंगे तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ, जब हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ का नेचर ऐसा होता है, द नेचर ऑफ द ग्राफ इज लाइक दैट, ये यहां तक अप टू 10 सेंटीमीटर, ये यहां मैक्सिमम वैल्यू है 10 सेंटीमीटर पे, कितना निकाला हमने 10 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे हमारा वैल्यू आ गया था 5 × 10⁻³। 10 सेंटीमीटर पे हमारा वैल्यू आ गया था 5 × 10⁻³। और उसके बाद फिर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है ऐसे, तो यहां तक मैंने कहा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और यहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी जैसे जैसे हम लोग बाहर जाते हैं आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता है बाउंड्री पे मैक्सिमम एंड देन इट स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट किया, और वो ये कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है किसी रीजन में, तो ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हमको एक कॉन्सेंट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वहां पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम डिफाइन करते हैं ई इज इक्वल टू −dΦ/dt, और फिर उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग डिफाइन करते हैं ई डॉट डीएल से, तो ई डॉट डीएल इज इक्वल टू −dΦ/dt, और इस तरह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है दैट इज नॉन कॉन्जर्वेटिव। नॉन कॉन्जर्वेटिव फील्ड का मतलब यह हुआ कि यहाँ ई डॉट डीएल फॉर अ क्लोज पाथ आपका जीरो नहीं होता है, ई डॉट डीएल फॉर अ क्लोज पाथ इज −dΦ/dt, वेयर एज द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू चार्ज पार्टिकल इज कॉन्जर्वेटिव वेयर ई डॉट डीएल इज जीरो, और वहां पे हमारा पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है, यहां हम लोग पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सो